पटना से आए कस्टम विभाग के अधिकारियों ने भागलपुर नौगछिया मुख्य सड़क पथ से एक ट्रक को अपने कब्जे में लेकर घंटों पूरे ट्रक को बारीकी से खंगाला। दरअसल कस्टम विभाग के अधिकारियों को यह गुप्त सूचना मिली थी कि भागलपुर के नौगछिया के रास्ते ट्रक से गोल्ड की स्मगलिंग की जा रही है, जिसको लेकर देर रात पटना के कस्टम विभाग की टीम भागलपुर पहुंची और स्थानीय टीम के द्वारा राजस्थान नंबर की एक ट्रक को नौगछिया से पकड़ा गया और सभी अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रक को खंगाला जा रहा है। अधिकारियों के द्वारा ट्रक के हर हिस्से की जाँच कर सोने की तलाश की जा रही है। इस मामले पर अभी कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ट्रक से सोने की तस्करी के संदेह पर पटना कस्टम विभाग की टीम भागलपुर पहुंची। कल देर रात 10 बजे के करीब रात को नौगछिया के समीप से इस ट्रक को यहां पर लाया गया है कस्टम विभाग के कार्यालय के पास। राजस्थान नंबर की ये ट्रक है, जैसे कि सूचना बताया गया है कि इसमें सोने के तस्करी होने की सूचना थी। उसके बाद यहां पर कस्टम विभाग की टीम ने घंटों इस ट्रक में छापेमारी की और पटना से भी टीम पहुँची है। 10-12 लोग जो हैं टीम में शामिल हैं और सभी लोगों ने मिलकर इस ट्रक की छानबीन की। यहाँ तक कि जो मिस्त्री हैं उनको भी बुलाया गया, ट्रक को खुलवाया गया, हर पार्ट को खुलवाकर जांच की गई, टंकी को भी खोला जांच किया गया, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर कुछ नहीं मिला है। जो सूचना थी सोना होने की सूचना थी, लेकिन वो भी हाथ खाली लौटे हैं। जैसा कि चालक ने बताया कि वो जो है पूर्णिया के गुलाबबाग से धान खाली कर आजमगढ़ धान फिर लोड करने जा रहा था, लेकिन नौगछिया के समीप उसे पकड़ लिया गया है। हालांकि वो जैसा कह रहा है कि उसे कोई सूचना नहीं है, जो सूचना है जो भी सूचना कस्टम विभाग को दिया गया है वो गलत है।